Hi, welcome to all students. In online classes, Abhay Vidya Mandir School Kheti. तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे YouTube चैनल को देखें. यह है आपकी ऑनलाइन क्लासेस की पार्ट सेकंड टेंस करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. इसमें हम आगे स्टार्ट करते हैं. कल हमने आपको बताया था कि इसके अंतर्गत वर्ब का चार्ट जो था फर्स्ट उसके बारे में बताया था. थोड़ा सा यानी प्रोनाउन टेबल का चार्ट चल रहा था, वो अधूरा रह गया था. उसको कंप्लीट करते हैं प्रोनाउन टेबल के चार्ट को और उसके बाद सीधा हम अपने टॉपिक पे आते हैं. तो देखो बेटा, प्रोनाउन टेबल के अंतर्गत मैं आपको बता रहा था कि सब्जेक्ट कर्ता क्या होता है. कर्ता, कर्ता के बाद यानी मैंने बताया था आपको ऑब्जेक्ट कर्म, कर्म के बाद मैंने बताया था आपको पसेसिव एडजेक्टिव के बारे में यानी स्वामित्व सूचक विशेषण. क्या होता है बेटा वो स्वामित्व सूचक विशेषण और उसके बाद पसेसिव प्रोनाउन. पसेसिव प्रोनाउन का मीन्स होता है स्वामित्व सूचक सर्वनाम, स्वामित्व सूचक सर्वनाम और इसके बाद लास्ट रह जाता है आपका रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम. क्या होता है बेटा वो निजवाचक सर्वनाम. देखो कर्ता हो गया कर्म, ऑब्जेक्ट कर्म. पसेसिव एडजेक्टिव का मींस हो गया बेटा वो स्वामित्व सूचक विशेषण. पसेसिव प्रोनाउन का मींस हो गया यानी स्वामित्व सूचक सर्वनाम और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब हो गया स्वाम यानी निजवाचक सर्वनाम. तो देखो कर्ता की बात करते हैं. कर्ता में आपका आई बी यू ही सी इट दे और नेम या फिर वन, ये हो गए आपके आई और बी फर्स्ट पर्सन हो गए, यू आपका सेकंड पर्सन हो गया, ही सी इट दे और वन या नेम आ जाए ये आपका थर्ड पर्सन हो गया. तो हम बात करते हैं सबसे पहले आई की. आई का बेटा ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी. क्या हो जाएगा मी. पसेसिव एडजेक्टिव में मैं बात करूं तो बेटा हो जाएगा माई. क्या हो जाएगा माई. इधर स्वामित्व सूचक यानी पसेसिव प्रोनाउन में मैं बात करूं बेटा तो हो जाएगा माइन. क्या हो जाएगा माइन. और इसके बाद रिफ्लेक्सिव में वहां मैं बात करूं तो रिफ्लेक्सिव के अंतर्गत हो जाएगा बेटा माई सेल्फ, माई सेल्फ. दूसरा देखो बेटा बी, बी का ऑब्जेक्ट हो जाता है अस. क्या हो जाता है अस. पसेसिव में हो जाता है अवर. क्या हो जाता है अवर. और पसेसिव प्रोनाउन में हो जाता है इसका अवर्स. क्या हो जाता है अवर्स. और उधर हो जाता है अवर सेल्फ, अवर सेल्फ यानी एफ हटाकर डी एस लगा दिया जाता है. इसके बाद देखो यू, यू का यानी ऑब्जेक्ट यू. इसके बाद पसेसिव एडजेक्टिव में योर, पसेसिव प्रोनाउन में हो जाएगा बेटा वो योर्स और रिफ्लेक्सिव में हो जाएगा योर सेल्फ. योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ भी होता है, दोनों होते हैं बेटा ध्यान रखना. योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ भी होता है. इसके बाद बात करते हैं ही. ही का ऑब्जेक्ट हो गया बेटा हिम. इसका हो गया यानी पसेसिव एडजेक्टिव में हिज. इसके बाद पसेसिव प्रोनाउन में हो गया हिज और उसके बाद हो गया यहाँ पे हिम सेल्फ. क्या हो गया बताओ हिम सेल्फ. सी, सी स्त्रीलिंग में. इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट हो गया बताओ हर. पसेसिव एडजेक्टिव में हो गया इसका हर. पसेसिव प्रोनाउन में हो गया इसका हर्स. एस लग जाएगा बताओ. और इसके बाद लास्ट में हो गया इसका हर सेल्फ. क्लियर है यहां तक. अब आगे देखो इट, इट
इसके बाद इसमें हो जाएगा बेटा पोसेसिव एडजेक्टिव में इट्स, पोसेसिव प्रोनाउन में भी इट्स इसका, और उधर हो जाएगा बेटा इट सेल्फ, क्या हो जाएगा इट सेल्फ। और उसके बाद दे, दे का ऑब्जेक्ट देम, डियर देम, डियर प्रोनाउन में हो जाएगा डियर्स, और रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन आएगा निजवाचक उसमें हो जाएगा देमसेल्फ, them said। और लास्ट रह जाता है अपना वन, तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा बेटा वन, उसके बाद यानी पोसेसिव एडजेक्टिव में हो जाएगा वंस, और पोसेसिव प्रोनाउन में भी इसका वंस, और उधर हो जाएगा रिफ्लेक्सिव में वन सेल्फ, क्या हो जाएगा बेटा वन सेल्फ। तो एक बार आपको और क्लियर करा देते हैं, इधर देखो यानी सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट कौन सा है अपना आई, ऑब्जेक्ट क्या होगा इसका मी, पोसेसिव एडजेक्टिव में मैं बात करूं तो इसका माई हो गया, इधर पोसेसिव प्रोनाउन में मैं बात करूं तो माइन हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मैं बात करूं तो माई सेल्फ हो गया, इधर सब्जेक्ट है आपका बेटा बी, बी हम, ये ऑब्जेक्ट में अस, पोसेसिव एडजेक्टिव में अवर, पोसेसिव प्रोनाउन में अवर्स, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अवर सेल्फ। इसके बाद बात करें बेटा वो कर्ता यानी सेकंड पर्सन लिसनर की, यू क्या है बेटा यू, ऑब्जेक्ट में मैं बात करूं तो यू हो जाएगा यू का, पोसेसिव एडजेक्टिव में योर हो जाएगा, पोसेसिव प्रोनाउन में योर्स हो जाएगा, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में योर सेल्फ या सेल्फ हो जाएगा। इसके बाद बात करूं बेटा मैं सब्जेक्ट में ही, सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा ही, ऑब्जेक्ट हो जाएगा बेटा हिम, और इधर पोसेसिव एडजेक्टिव में हो जाएगा हिज, पोसेसिव प्रोनाउन में भी हिज, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हो जाएगा इसका हिमसेल्फ। इसके बाद बात करूं सी, सी स्त्रीलिंग में, इसके बाद इसका बात करूं मैं, ऑब्जेक्ट में हर हो जाएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव में हर हो जाएगा, पोसेसिव प्रोनाउन में हर्स, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हर सेल्फ। इसके बाद बात करूं मैं सब्जेक्ट में इट, ऑब्जेक्ट हो जाएगा बेटा इसका इट, पोसेसिव एडजेक्टिव में इट्स हो जाएगा, पोसेसिव प्रोनाउन में इट्स, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इट सेल्फ। इसके बाद बात करूं बेटा मैं सब्जेक्ट में दे, दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देन, पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा दियर, पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा दियर्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा देन सेल्फ। सब्जेक्ट में आगे में मैं बात करूं वन, वन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा वन, पोसेसिव एडजेक्टिव में मैं बात करूं तो इसका हो जाएगा वंस, पोसेसिव प्रोनाउन में वंस, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वन सेल्फ। क्लियर है यहां तक? तो आगे चर्चा करते हैं हम टेंस की, तो आ जाओ बताओ इधर नजर दो, क्या होता है टेंस, इसके बारे में चर्चा करेंगे यहां पे और आगे अपने टॉपिक पर पहुंचेंगे। देखो यानी टेंस, टेंस शब्द जो है, टेंस शब्द की यानी हम बात करें जैसे उत्पत्ति की या कहां से लिया गया है, तो यह है अंग्रेजी के यानी मेन शब्द लैटिन भाषा में टेंपस, कौन सा शब्द है बेटा टेंपस, टेंपस शब्द से लिया गया। टेंपस का जो हिंदी है यानी मींस निकल के आता है, यानी शुद्ध इंग्लिश की बात करें प्योर लैंग्वेज में, तो इसका होता है बेटा टाइम, और टाइम का अगर हम हिंदी की बात करें तो टाइम का हिंदी निकल के आता है समय या काल, क्या निकल के आता है समय या काल। दोबारा से दोहराता हूं, यानी टेंस काल बोलते हैं इसको, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के रूप में पूछा जाएगा। टेंस शब्द की उत्पत्ति टेंपस शब्द से हुई है, और टेंपस शब्द जो है यानी लैटिन भाषा के टेंपस शब्द से हुई है, और टेंपस शब्द का मैं इंग्लिश में यानी ट्रांसलेट करूं या इसका अर्थ निकालूं तो टाइम होता है, और टाइम का हिंदी अर्थ होता है बेटा वो समय या काल, क्या होता है समय या काल। यानी इसके अंतर्गत एक तर्क निकल के आता है, एक फैक्ट निकल के आता है बेटा, वो फैक्ट ये है कि आप टेंस को टाइम बोल सकते हैं, टेंस को आप समय भी कह सकते हैं, और टेंस को आप काल भी कह सकते हैं।
तीनों के नाम से पुकारा जा सकता है, टेंस को आप टाइम भी बोला जा सकता है, टेंस को समय के नाम से भी पुकारा जा सकता है, टेंस को काल के नाम से भी पुकारा जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप टाइम को केवल समय ही बोलेंगे और टाइम के अंतर्गत आप कभी भी, यानी टाइम को टेंस कह सकते हैं लेकिन टाइम को आप कभी भी काल के नाम से किसी को, व्यक्ति को इंगित करने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। उदाहरण दूं, आपको एग्जांपल दूं, जैसे किसी व्यक्ति से आप कोई सामान्य बोलचाल में आप बात कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत आप, यानी उसके टाइम कैसा टाइम चल रहा है सब पूछ सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते उससे कि कैसा काल चल रहा है, क्योंकि वो हिंदी अर्थ जो है थोड़ा सा, यानी समझने का जो फर्क है, अंडरस्टैंडिंग है, वो थोड़ी सी इसमें बदल जाती है, इसलिए कभी भी इसको आप काल के नाम से नहीं पुकार सकते। इसके अंतर्गत बात आती है कि कुछ विद्वानों ने तर्क दिया है कि यानी टेंस जो है, टेंस जो है एक ग्रामर के अनुसार, ग्रामर के अनुसार चलने वाली एक अवस्था होती है, ग्रामर के अनुसार चलने वाली अवस्था होती है, जबकि जो टाइम जो होता है बेटा, टाइम एक स्वचालित अवस्था होती है, यानी ऑटोमेटिक होता है, टाइम स्वयं चलता रहता है, टाइम को आप रोक नहीं सकते, लेकिन टेंस आप पढ़ेंगे तभी तो अध्ययन कर सकते हैं। टेंस के अंतर्गत आप दोनों को यानी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, सामान्य वैसे अर्थ निकाल सकते हैं लेकिन इतना अधिक आप इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। सीधी बात करते हैं आपकी इसके अंतर्गत इसके पार्ट्स की, तो देखो बेटा इसकी एक डेफिनेशन है, मैं आपको परिभाषा लिखा देता हूं, मैं आपको देखो, नंबर फर्स्ट आती है डी डिवाइडेड ऑफ टाइम, डी डिवाइडेड ऑफ टाइम आर कॉल्ड टेंस। सबसे छोटी परिभाषा है डी डिवाइडेड ऑफ टाइम आर कॉल्ड टेंस। डिवाइडेड का मीन्स होता है बताओ विभाजन, क्या होता है विभाजन, और टाइम, टाइम हो गया यहां पे समय का, किसका बेटा समय का, समय का विभाजन आर कॉल्ड कहलाता है टेंस काल, समय का विभाजन टेंस या काल कहलाता है, दी डिवाइडेड ऑफ टाइम आर कॉल्ड टेंस। तो देखो बेटा सबसे छोटी परिभाषा हो गई समय, मतलब यानी कहने का कि जो अब समय चल रहा है, जैसे हम आपने सुबह क्या किया वो पास्ट में गया, वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं वो प्रेजेंट है, और जो आगे होने वाला है वो आपका क्या कहलाएगा फ्यूचर कहलाएगा। समय का विभाजन, किसका विभाजन बेटा समय का विभाजन क्या कहलाता है टेंस कहलाता है। दूसरी परिभाषा जैसे मैं बोल के बताऊं आपको, टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब, टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज नॉट ओनली, दिस शो विच शोज नॉट ओनली टाइम ऑफ एक्शन, टाइम ऑफ एक्शन बट आल्सो स्टेट ऑफ एक्शन और इवेंट, बट आल्सो स्टेट ऑफ एक्शन और इवेंट। कहने का मींस ये हुआ कि काल क्रिया का एक वह रूप होता है, काल क्रिया का एक वह रूप होता है जो ना केवल, जो ना केवल समय के कार्य को दर्शाता है, यानी जो ना केवल समय के कार्य को दर्शाता है बल्कि यानी उसकी स्थिति को भी निश्चित करता है, जो कि ना केवल समय के कार्य को दर्शाता है बल्कि उसकी स्थिति को भी निश्चित करता है, वो क्या कहलाता है बताओ टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है टेंस कहलाता है। तो देखो इसकी यानी एक चार्ट बनता है, यानी तीन पार्ट थे, सबसे पहले क्या है इसका एक चार्ट बना के बताता हूं आपको। नोट करते जाना आप, एचपी और एमपी सहित। देखो टेंस चार्ट आपका यहां पे क्या हो गया टेंस हो गया, इधर आपकी हेल्पिंग वर्ब एचपी हो गई यानी सहक्रिया, सहक्रिया हो गई आपकी, और उधर आपकी एमपी मुख्य क्रिया,
मुख्य क्रिया। टोटल तीन होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, लेकिन उनके पार्ट्स होते हैं वो 12 होते हैं। कितने होते हैं बेटा वो 12। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यानी पीआईटी, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। इंडेफिनेट टेंस सिंपल बोल दो क्या, भले प्रेजेंट सिंपल टेंस। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो डू और डज, क्या होती है बेटा वो डू और डज। और मुख्य क्रिया जो होती है वो एमवी की बेटा कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म। दूसरी बात करें बेटा वो हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। साई क्रिया की अगर हम बात करें तो साई क्रिया इज एम आर, इज एम आर। और इसके बाद जो एमवी होती है, एमवी की फर्स्ट फॉर्म, एमवी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म में किसका प्रयोग कर देते हैं बेटा वो आईएनजी का। फर्स्ट फॉर्म में यानी क्या लग जाती है, आईएनजी लग जाती है। इसमें कंटीन्यूअस का मींस होता है यानी एक अपूर्ण काल होता है, वर्तमान अपूर्ण काल। अगला देखो बेटा वो तीसरा होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। साई क्रिया होती है बेटा वो हैज और हैव, और इसके अंतर्गत एमवी की जो बात करें वो मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। और नंबर चार प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, नंबर चार है इसकी साई क्रिया हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। और एमवी जो आती है मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म जो होती है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ये प्रेजेंट हो गया बेटा पूरा आपका, रिवाइज कराता हूं एक बार। इधर देखो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वर्तमान सामान्य या साधारण टेंस काल, वर्तमान सामान्य काल या वर्तमान साधारण काल। हेल्पिंग वर्ब होती है बेटा डू और डज, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज। और मुख्य क्रिया जो होती है, मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। दूसरी में बात करूं यहां पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का मींस होता है वर्तमान अपूर्ण काल, वर्तमान अपूर्ण काल। तो यानी एक ऐसा काल जो अभी पूर्ण नहीं होगा, यानी लगातार क्रियाएं जारी हैं, वो क्या कहलाता है, कंटीन्यूअस या अपूर्ण काल के। प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं इसको बेटा। तो इसके अंतर्गत कंटीन्यूअस टेंस यानी साई क्रिया इज एम आर, इज एम आर वो कर्ता के हिसाब से फिक्स हो जाती है। यहाँ पे मुख्य क्रिया जो है, मुख्य क्रिया एमवी की फर्स्ट फॉर्म जो आती है उसमें बेटा आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। कल मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि यहाँ पे आईएनजी का मतलब होता है जीवंत वाली अवस्था, लगातार चलने वाली अवस्था। तीसरा है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मीन्स होता है वर्तमान पूर्ण काल। कहने का मतलब है कि कर्ता के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य पूर्ण हो चुका है, यानी उसने कार्य को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, पूर्ण कर लिया है। साई क्रिया की मैं बात करूं तो हैज और है, क्या होती है बेटा वो हैज और है। और मुख्य क्रिया जो आती है, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखो नंबर अगला प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी वर्तमान परफेक्ट का मींस हो गया पूर्ण और कंटीन्यूअस का मींस हो गया अपूर्ण। तो वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल, वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल। साई क्रिया है हैज बीन और हैव बीन बेटा, और एमवी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखो अगली बात करते हैं पास्ट की, पास्ट के भी चार हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी साई क्रिया डिड और एमवी जो होती है, दो प्रकार की एमवी का प्रयोग किया जाता है। एमवी की फर्स्ट फॉर्म भी आती है बेटा और सेकंड फॉर्म भी आती है। इसको मैं क्लियर कर देता हूं आपको यहीं पे। देखो बेटा पास्ट यानी भूत सामान्य काल,
भूत सामान्य काल या ऐसे कह दो सामान्य भूत काल डिड साइन क्रिया के साथ यानी डिड हेल्पिंग वर्ब के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग यानी इंटरोगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव नकारात्मक और प्रश्नवाचक दोनों प्रकार के वाक्यों में किया जाता है। लेकिन यदि वाक्य आपका सिंपल सेंटेंस है तो वहां पे बेटा ओनली सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य आपका कैसा है बेटा यानी सिंपल सेंटेंस है तो सिंपल सेंटेंस में ध्यान रखना सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग होगा वहां पे डिड प्लस एनवी की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा। और यदि आपका सेंटेंस यानी इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव या नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव दोनों में से कोई सा आ जाए या दोनों आ जाए तो ध्यान रखना वहां पे डिड प्लस एनवी की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर है ना। आगे देखो बेटा दूसरा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस साइक्लियस की वाज और वर्ब और इसके बाद एमवी जो होती है एमवी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एमवी की जो फर्स्ट फॉर्म आती है उसमें आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। नंबर तीन पास्ट परफेक्ट टेंस साइक्लियस की बेटाओ हेड और एमवी की थर्ड फॉर्म कौन सी फॉर्म बेटाओ थर्ड फॉर्म और नंबर चार पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हेड बीन इसकी एच भी है और एमवी जो है एमवी की कोई फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और फर्स्ट फॉर्म में प्लस किसका प्रयोग कर देंगे आप आईएनजी का बेटा। तो ये आपका क्या हो गया परफेक्ट हो गया क्या हो गया प्रेजेंट यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। तो देखो दोबारा से रिवाइज कर देता हूं पास्ट यानी भूत सामान्य काल या सामान्य भूतकाल डिड साइन क्रिया एमवी की फर्स्ट और सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। पास्ट यानी भूत अपूर्ण काल साइक्लिया वाज और वर वो एकवचन और बहुवचन सिंगुलर और प्लुरल के हिसाब से प्रयोग होती है और एमवी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पास्ट परफेक्ट टेंस साइक्लिया बेटा हेड क्या किसका प्रयोग करते हैं हेड और मुख्य क्रिया जो है एमवी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी भूत पूर्ण अपूर्ण काल भूत पूर्ण अपूर्ण काल साइक्लियस की हेड बीन और एमवी जो है मुख्य क्रिया जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। अब देखो बेटा आगे फ्यूचर फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस साइक्लियस की विल और सेल मॉडल में भी प्रयोग होता है बेटा पढ़ा होगा आपने मॉडल के अंतर्गत विल और सेल मॉडल भी है लेकिन यहां पे किसके रूप में कार्य कर रहे हैं साइक्लिया के रूप में कौन सी साइक्लिया मॉडल है लेक्चरी पर वाली ठीक है ना वो भी एक साइक्लिया थी और यहां पर भी एक साइक्लिया के रूप में कार्य कर रहे हैं। और एमवी जो है एमवी की फर्स्ट फॉर्म एमवी की फर्स्ट फॉर्म दूसरा है बेटा आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस साइक्लिया बेटा उसकी विल बी और सेल बी विल बी और सेल बी और एमवी की फर्स्ट फॉर्म जो आएगी उसमें बेटा आईएनजी क्या लग जाएगा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। नंबर थर्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस साइक्लिया बेटा इसकी विल हैव और सेल हैव विल हैव और सेल हैव और एमवी जो है एमवी की थर्ड फॉर्म बेटा कौन सी फॉर्म थर्ड फॉर्म और नंबर चार फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब है विल Have been, दूसरी बेटाओ sell, have been,
और एमबी जो है एमबी की फर्स्ट फॉर्म जो आएगी बेटा उसमें आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। देखो रिवाइज कराता हूं, फ्यूचर यानी भविष्य, सामान्य काल, अब सामान्य भविष्य काल, हेल्पिंग वर्ब विल और शैल और एमबी की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर टेंस एक ओनली सोइंग करना आपको दर्शाना है काल्पनिक अवस्था होती है, ध्यान रखना इसका। इसमें एक दो भाग यानी आपको करेक्ट पूर्णोत्तर वर्ग के रूप में पूछे जा सकते हैं। देखो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस यानी भविष्य अपूर्ण काल, हेल्पिंग वर्ब बेटा विल बी और शैल बी और एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अगला है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट भविष्य पूर्ण काल, हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव, विल हैव और शैल हैव और एमबी की थर्ड फॉर्म यानी मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और अगला है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी भविष्य पूर्ण अपूर्ण काल, भविष्य पूर्ण अपूर्ण काल, हेल्पिंग वर्ब इसकी विल हैव बीन और शैल हैव बीन और एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो ये था आपका यानी टेंस चार्ट, इसमें मैंने आपको 12 प्रकार के टेंस बता दिए, साथ में इनकी मैंने आपको यानी सहायक क्रिया का भी अध्ययन करा दिया और साथ में आपको मुख्य क्रिया का, क्योंकि जब भी आप पढ़ेंगे आगे टेंस को तो ये आपके चार्ट बहुत विशेष काम आएगा। आगे चलते हैं बेटा, क्लियर है यहां तक सबका? तो देखो इसकी ट्रिक है, ट्रिक है इसकी, और ट्रिक के हिसाब से मैं आपको एक थोड़ा सा बताऊंगा, ट्रिक के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे क्या करूंगा थोड़ा सा बताऊंगा। और ट्रिक के हिसाब से देखो आप, पहले नंबर फर्स्ट बात करते हैं हम, लिख देता हूं आप देखो, शॉर्ट ट्रिक हेडिंग लगा लो भले ही आप इस पे, शॉर्ट ट्रिक्स। और शॉर्ट ट्रिक्स में एक बात है तो उसको आप नोट करते जाना। देखो एक मित्र ने मुझसे कहा और ट्रिक चालू हो जाती है आपकी, नाउ गॉड रन्स फोर सारीज, नाउ गॉड रन्स फोर सारीज, एक मित्र ने मुझसे कहा नाउ गॉड रन्स फोर सारीज, क्यों इसके बाद ये हो गए ना तक, इसके बाद टन टन पिक की घंटी बजी। एक मित्र ने मुझसे कहा नाउ गॉड रन्स फोर सारीज और इसके बाद टन टन पिक की घंटी बजी। किसकी घंटी बजी बेटा? वो टन टन पिक की घंटी बजी और घंटी बजने के बाद जस्ट यार यूएसए जेल जाएंगे और वहां से सिंस फोर प्रेजेंट को लेकर आएंगे, वहां से सिंस फोर प्रेजेंट को लेकर आएंगे। दोबारा से सुनो इस ट्रिक को, ये चारों टेंसों की ट्रिक हैं जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के शब्द आते हैं बेटा एडवर्ब, वो एडवर्ब है इसमें। मैं आगे तो आपको मैं रूल्स क्या था मैं बता ही दूंगा, लेकिन यहाँ पे आप यानी शॉर्ट ट्रिक है उसको थोड़ा सा नोट कर लो। देखो दोबारा से दोहरा देता हूं आपको, एक मित्र ने मुझसे कहा नाउ गॉड रन्स फोर सारीज, नाउ गॉड रन्स फोर सारीज, उसके बाद टन टन पिक की घंटी बजी, टन टन पिक की घंटी बजने के बाद जस्ट यार यूएसए जेल जाएंगे और वहां से सेंस फॉर प्रेजेंट को लेकर आएंगे, और वहां से प्रेजेंट को लेकर आएंगे। अब इनसे बेटा ये एडवर्ब की ट्रिक है और इनसे क्या बनते चले जाएंगे आपके शब्द बनते चले जाएंगे। तो नोट कर लो ये चारों जो है ये आपकी इंडेफिनेट की ट्रिक हो गई। ये दूसरी जो ट्रिक है
ये आपकी कंटीन्यूअस की हो गई तीसरी जो ट्रिक है वो परफेक्ट की हो गई और चौथी ट्रिक जो है परफेक्ट कंटीन्यूअस की हो गई ये चारों ट्रिक ध्यान रखना ये प्रेजेंट के अंतर्गत आती है किसके अंतर्गत आती है बताओ प्रेजेंट के अंतर्गत आती है दूसरा प्रेजेंट के अंतर्गत आती है तो आगे हम दूसरी जो ट्रिक है उसकी चर्चा करेंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में ओके तो आप यहीं पढ़ते रहिए घर पे